गहरा है राजेंद्र सिंह की घर वापसी का राजनीतिक मतलब। बिहार में जदयू से खटपट के साथ यूपी झारखंड पर है भाजपा की नजर। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की गहमा गहमी के बीच बिहार में सत्ताधारी एनडीए के 2 सबसे बड़े घटक दलों भाजपा और जदयू में पैदा हुई खटपट की गूंज सियासी हलकों में भले ही सुनाई नहीं दे रही हो, लेकिन संघ के तपे तपाए दिग्गज राजेंद्र सिंह की घर वापसी एक बड़े सियासी घटनाक्रम के रूप में सामने आई है। 16 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए राजेंद्र सिंह ने भाजपा को छोड़कर लोजपा का दामन थाम लिया था। उस समय वो बिहार प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष थे। जिस रणनीति के तहत वो लोजपा में गए थे वो तो सफल नहीं हुई, लेकिन दिनारा से जदयू के दिग्गज जय कुमार सिंह की पराजय का उद्देश्य जरूर पूरा हो गया। अब वही राजेंद्र सिंह भाजपा में लौट आए हैं, जिनके बारे में कभी कहा गया था कि संघ में उनके कद का संगठनकर्ता दूसरा नहीं है, और अपने इस सिपाही को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए संघ ने अपने संविधान में तीसरी बार संशोधन किया था। राजेंद्र सिंह की वापसी के साथ भाजपा ने बिहार में जदयू के साथ जारी खटपट को साधने के अलावा यूपी चुनाव और झारखंड में संगठनात्मक मुद्दों में अपनी सक्रिय भूमिका का रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसका दूरगामी राजनीतिक परिणाम होगा। राजेंद्र सिंह की घर वापसी के राजनीतिक मतलब का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। भारत की राजनीति का फंडा भी अजीब है। यहाँ छोटी से छोटी घटना भी बड़े सियासी घटनाक्रम का कारण बन जाती है, और बड़ी से बड़ी घटना भी मुद्दों के शोर में भटकती रहती है। ये बात हाल के दिनों में हिंदी पट्टी की राजनीति के साथ 100% सही साबित हो रही है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावी शोर में दूसरे सियासी घटनाक्रम दबे जा रहे हैं। कम से कम यूपी के पड़ोसी बिहार में हाल के घटनाक्रमों के बारे में तो ये कहा ही जा सकता है। शराबबंदी के मुद्दे पर सत्तारूढ़ एनडीए के 2 प्रमुख घटकों भाजपा और जदयू में जिस तरह की तलखी सामने आई है, उसने सियासी पैमाने को अस्थिर कर रखा है। और इसी अस्थिरता को बढ़ाने के लिए राजेंद्र सिंह नामक शख्स की भाजपा में वापसी हुई है, जिन्हें कभी बिहार का नरेंद्र मोदी या मनोहर लाल खट्टर कहा गया था। वो इसलिए क्योंकि संघ ने राजेंद्र सिंह को चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए मोदी और खट्टर के बाद तीसरी बार अपने संविधान को बदला था। करीब 32 साल तक संघ की भट्टी में तपे राजेंद्र सिंह ने 16 महीने पहले अक्टूबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को छोड़ लोजपा का दामन थाम लिया था। राजेंद्र सिंह उन नेताओं में से एक हैं जो संघ की मजबूत पृष्ठभूमि से भाजपा के साथ सक्रिय राजनीति में आए थे। मूल रूप से रोहतास के रहने वाले राजेंद्र सिंह लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। साल 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के रणनीतिकार वही रहे थे। जब वो भाजपा के साथ सक्रिय राजनीति से जुड़कर बिहार आए तो चर्चाओं में उन्हें भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार माना जाने लगा। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में वो हार गए। 2020 में जब एक बार फिर से भाजपा और जदयू गठबंधन चुनाव में उतरा तो दिनारा सीट जदयू के खाते में चली गई। इसे लेकर भी राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं रहीं। कुछ लोगों का कहना था कि राजेंद्र सिंह के टिकट कटने की वजह पिछली हार थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि प्रदेश भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं ने जानबूझकर उनकी सीट जदयू को जाने दी। कुछ ये भी कह रहे थे कि राजेंद्र सिंह पर नीतीश कुमार की नाराजगी भारी पड़ी। बहरहाल भाजपा से टिकट कटने के बाद राजेंद्र सिंह चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में शामिल हो गए। राजेंद्र सिंह के लोजपा जाने से चिराग की तरफ से किए जा रहे उस दावे को और बल मिला, जिसमें वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे। ये अलग बात है कि उस समय राजेंद्र सिंह का लोजपा में जाना जदयू को महंगा पड़ा। जदयू के दिग्गज जय कुमार सिंह को तो राजेंद्र सिंह ने रोका ही, कई और सीटों पर जदयू की खटिया खड़ी कर दी, जिस कारण जदयू का कद भाजपा से छोटा हो गया। जदयू बिहार में
तीसरे नंबर पर चली गई। अब बात करते हैं राजेंद्र सिंह की भाजपा में वापसी के राजनीतिक मतलब की। पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी को लेकर बिहार में भाजपा और जदयू के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। 5 राज्यों के चुनाव में उलझी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अभी बिहार पर उतना ध्यान देने का समय नहीं है। बिहार में नीतीश ने जिस तरह तेजस्वी के प्रति वात्सल्य दिखाया है और राजद ने जदयू को एक बार फिर साथ आने का न्योता दिया है, उसे लेकर भाजपा सतर्क है। एक कुशल संगठनकर्ता और रणनीतिकार के रूप में राजेंद्र सिंह के उपलब्ध होने के बाद भाजपा इस तरफ से थोड़ा निश्चिंत हो सकती है। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि राजेंद्र सिंह की घर वापसी जदयू और भाजपा के बीच की नोक झोंक को और तेज करेगा। इसकी वजह 2020 में दिनारा से जय कुमार सिंह की हार है, जिसे आज तक नीतीश कुमार और जदयू के नेता पचा नहीं पाए हैं। राजेंद्र सिंह की वापसी के जरिए भाजपा ने नीतीश कुमार और जदयू को यह संदेश भी दे दिया है कि अब उसे नीतीश की नाराजगी की परवाह नहीं है। भाजपा में वापसी पर राजेंद्र सिंह का जिस तरह स्वागत हो रहा है, उससे साफ है कि उन्हें भाजपा में फिर से कोई अहम दायित्व दिया जाएगा। राजेंद्र सिंह की वापसी से भाजपा को यूपी में भी काफी मदद मिलेगी, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में राजेंद्र सिंह का खासा असर है। झारखंड में संगठन मंत्री बनाए जाने के पहले राजेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में काम कर चुके हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी अच्छी खासी पैठ रही है। विधानसभा में उनकी ताकत का इस्तेमाल भाजपा आसानी से कर सकेगी और सपा या बसपा के दलित पिछड़े कार्ड की भी काट खोज लेगी। कुल मिलाकर राजेंद्र सिंह की घर वापसी एक सामान्य सियासी घटनाक्रम नहीं है जिसे इस तरह गुजर जाने दिया जाए। इस घटनाक्रम के महत्व को 2020 के उस घटनाक्रम से भी समझा जा सकता है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा में एक सहमति बनी थी कि जो भी नेता बागी होकर लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें पार्टी में वापस नहीं लेना है। इसके पीछे नीतीश कुमार थे, उन्होंने भाजपा पर इस फैसले के लिए दबाव बनाया था। उस समय भाजपा को नीतीश की नाराजगी का डर था। अब भाजपा ने साफ संदेश दिया है कि अब उसे नीतीश की नाराजगी की परवाह नहीं है और वो सीधे मुकाबले के लिए तैयार है। जो लोग राजेंद्र सिंह की शख्सियत और उनके गुणों से परिचित हैं, वो समझ रहे हैं कि इसका बड़ा राजनीतिक मतलब है। ये भी साफ है कि भाजपा उनके जरिए 3 राज्यों में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। अजौत सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार अजौत सिपाही। धन्यवाद।